बीएससी पार्ट थर्ड, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए हम फोर्थ यूनिट क्वांटम यांत्रिकी प्रारंभ कर रहे हैं। क्वांटम यांत्रिकी का पहला पॉइंट है कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आप क्या समझते हैं। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हर साल आती रहती है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको बता दें। कृष्णिका विकिरण गर्म पदार्थ में निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो पदार्थ के ताप पर निर्भर होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है ऊर्जा स्पेक्ट्रम में भी परिवर्तन होता है। कम ताप पर स्पेक्ट्रम में कम ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, अतः पदार्थ लाल या अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं पदार्थ अधिक ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित करता है और पदार्थ जो है वो श्वेत दिखाई देने लगता है। इस प्रकार तप्त पदार्थ से विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के विद्युत चुंबकीय विकिरण प्राप्त होते हैं। ये चित्र है जिसमें एक साइड है एनर्जी, दूसरी साइड है वेवलेंथ। जब हमारा तापमान 1100 केल्विन था तो उसमें जो पीक है वो नीचे है। जब हमने तापमान बढ़ा दिया 1260 केल्विन पे तो उसका जो पीक है वो हायर तरंग दैर्ध्य पे है, और जब उससे ज़्यादा 1450 केल्विन पे एक दिखाया है और मैक्सिमम दिखाया 1650 केल्विन पर। एक ही ताप पर अलग अलग पदार्थ के लिए स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के विकिरणों के अध्ययन के लिए कृष्णिका अत्यधिक उपयोगी तंत्र है। यह एक काल्पनिक पिंड है जो भी आपतित विकिरण अवशोषित कर लेती है, किसी का भी संचार या परावर्तन नहीं करता, उसे हम कृष्णिका कहते हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए हम 5 सेंटीमीटर व्यास वाली 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखले सिलेंडर को, जिसे अच्छी तरह से बाहर से और अंदर से ब्लैक कर लेते हैं, उसके एक सिरे पर एक सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म छिद्र कर देते हैं, कृष्णिका बनाई जाती है। आपतित प्रकाश का वो भाग जो अवशोषित होता है उसे हम अवशोषकता ए कहते हैं। अतः कृष्णिका की अवशोषकता एक है, क्योंकि जो भी इस पर रेडिएशन विकिरण होते हैं ये उसे 100% अवशोषित कर लेती है। दूसरी परिभाषा है उत्सर्जन क्षमता। प्रति इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता ई कहते हैं। इसके लिए किरचॉफ का एक नियम है। इस नियम के अनुसार दिए हुए ताप के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का अनुपात स्थिर होता है। यदि कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता ई कैपिटल ई बी तथा ए बी है, और कृष्णिका के अतिरिक्त दूसरी सतह के लिए ये राशियां ई और ए हैं, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार ई बी बटा ए बी इज इक्वल टू ई बटा ए। चूँकि हम जानते हैं कि कृष्णिका की अवशोषकता एक होती है, अतः ए बी इज इक्वल टू वन रखने पर ये जो समीकरण है यह आ जाता है ई बराबर ए इंटू ई बी। अतः कृष्णिका के अतिरिक्त अन्य सतहों के लिए ए का मान, अवशोषकता का मान सदैव एक से कम होता है। अतः ये इससे स्पष्ट है कि कृष्णिका सर्वोत्तम अवशोषक और सर्वोत्तम उत्सर्जक है। थैंक यू।